चेहरा है, ये जो है दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड की तरफ से है, जो कि दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जाती है। और इस ये जो यहाँ जो इसका नाम है गुरुद्वारा बंगला साहिब नाइट शेल्टर। और ये रेगुलर जो है जो 12 मंथ्स तक चलते हैं 24/7। और जो कुछ अभी विंटर सीजन में वाइट वाले टेंट भी लगते हैं, पगोड़ा टेंट। भाव जी, जब हम यहाँ पर तब थे ना, तब ये बने नहीं थे। हम लोग यहीं थे तभी बने थे, तब से हम लोग यहीं पर है। बाहर में तो सो भी नहीं पाएंगे, यहाँ तो चलो भाई अंदर सो भी जाते हैं, कंबल मिलते हैं, चादर मिलते हैं, बाहर भी कैसे सोएंगे इतनी ठंडी में। खाना पीना सुतना बैठना हर चीज़ की सुविधा है, यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ खाने आते हैं तो खाते हैं, यहाँ बचत होते हैं। जाते हैं बाहर 12 बजे तो अपने खाना मिल जाता है, खा लेते हैं और शाम को मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। मेन परेशानी थी खाना की, एक बसर बुखार चढ़ा होगा सो ले गई, भूखे पेट तो 24 घंटा नींद नहीं आई और बढ़िया खाना मिल रहा है। वो खाना मिलने से बहुत ही हम लोगों को भूखा नहीं सोना। आते जाते रहते हैं, कई लोग 2-4 महीने रहें, कई 10 दिन रह के भी चले जाते हैं। बहुत तो ऐसे कहते जो हम बाहर भीख मांगते थे, हमें रोड पर मांगना पड़ता था, इससे काफ़ी अच्छा है, हर घर के तरह सारे सुविधा मिल रहा है, तो यहाँ रहना भी वो लोग पसंद कर रहे हैं। जब से खाना मिला है इन लोगों को काफ़ी सुविधा, नहीं तो पहले बाहर काम करते थे तो ये लोग खाना इनको होता था नसीब, नहीं तो कई लोग ऐसे भी हैं जो भूखे भी सो जाते थे। अब बहुत पहले से काफ़ी अच्छे हैं। सुविधाएँ तो यहाँ पर सही है, मतलब घर से तो बहुत अच्छी है। देखिए अगर हम कहीं जॉब भी करते हैं ना, तो अगर रात अगर हमको शांति से मिलती है, एक नींद और एक खाना, ये दो चीज़ें जरूर चाहिए। लेकिन ये चीज़ें अगर मिल जाती हैं ना, तो इंसान संतुष्ट होकर कहीं भी अपना कुछ भी काम कर सकता है। एक बजे खाने में दाल सब्जी कुछ भी आ जाती है, रोटी भी आ जाती है। नाइट में जो है रोटी आ जाती है, सब्जी आ जाती है, यह व्यवस्था अच्छी है। कोई काम के लायक तो रह नहीं गए, 70 वर्ष की उम्र हो गई, तो लाचार हो गया मैं। ये हमारा अक्षय पात्रा का गोल मार्केट किचन है।
हमारे दिल्ली में टोटल 4 किचन है, जिसमें से एक है गोल मार्केट जो कि दिल्ली में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। हमने रैन बसेरे में फीडिंग 15 जुलाई से पूरे दिल्ली में स्टार्ट किया है। जैसे लंच में हम राइस देते हैं, रोटी देते हैं और दाल या तो छोले। इस दाल में भी हम 4-5 हमारे पास वेराइटी है, मिक्स दाल हो गया, उड़द चना दाल हो गया, कड़ी हो गया, वेज दाल हो गया, तो छोले हो गए हैं। और इवनिंग में हम राइस रोटी के साथ में हम लोग सब्जी देते हैं। तो सब्जी में भी अभी अपने पास 5-6 वैरायटी है, जैसे कि आलू चना हो गया, आलू छोले हो गए, आलू पालक देते हैं, मिक्स वेज देते हैं, आलू सोया देते हैं और आलू मटर देते हैं। पहले तो हम बच्चों को खाना देते थे, लेकिन अब अगर वो नहीं बंद है और हम कहीं और देने का मौका मिल रहा है, तो हम वो जगह पर उन्हें खाना दे रहे हैं कि सभी लोगों को जिसको जरूरत है हम उन्हें खाना आराम से पहुँच सके, जो दोनों टाइम खाना खा सके। सिर्फ एक दिन के लिए आते हैं, सिर्फ अपना रात गुजारने के लिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो काम की तलाश में आते हैं, दूर गांव से आते हैं, आते ही उनको दिल्ली शहर में उनका कोई अपना नहीं होता, सपोर्ट के लिए उनको यहाँ पे सहारा मिल जाता है। बहुत ज़्यादा मदद हुई आर्थिक को, अब खाना बचा, पैसा बचा पाते हैं। जिनका इनकम ही नहीं है वो 100 रुपये का खाना बाहर से नहीं खा सकते दोनों टाइम का, अब वो 100-100 रुपये करके भी अपनी सेविंग करें। कुछ लोग इन्हीं 5-6 दिन के पैसे बचा के अपने घर तक भी पहुँच गए जो नहीं जा पा रहे थे। यहाँ पे रहते हुए अप्रोक्सीमेटली 14 डेज हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर हमें यहाँ पे वो सुविधाएं प्राप्त नहीं होती जो एक नेसेसिटी है, तो शायद मैं 14 दिन तो क्या 2 दिन नहीं खाऊँ। सर, खाने पीने में जो यहाँ पे खाना सर्विस खाना मिल रहा है, मेरे हिसाब से किसी भी होटल में अगर हम जाकर लेते हैं तो होटल में भी हमें वो क्वालिटीज ही मिलेंगी जो यहाँ मिल रही है, इससे बेटर क्वालिटीज नहीं। और ये सपना है इस देश में कि कोई देश का एक नागरिक भी भूखा ना सोए, भूखा ना रहे। इस पूरे कार्य में अक्षय पात्रा एकदम सटीक काम कर रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसे फाउंडेशंस का जरूरत, हमें बहुत सारे ऐसे फाउंडेशंस की जरूरत है।